रिलेटेड फिल्म है। जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म होती है हम सबका फ़र्ज बनता है कि हम सब उनको इनक्रेज करें और फिल्म को बढ़ावा दें। बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद ही हमने फैसला किया था कि प्रीमियर में आके फिल्म देखेंगे। इस मूवी के बारे में मैंने बहुत पहले से सुना था और जब से इसकी तैयारी हो रही थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड था, ये मूवी आएगी बहुत जल्दी, हम लोग देखेंगे। ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है, बाकी स्पोर्ट्स पे है तो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है और मज़ा आने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। ऐसी मूवी बहुत कम मार्केट में आती है जो स्पोर्ट्स पे होती है या फिर मतलब फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, सो व्हेन इट्स अबाउट फुटबॉल आमिर सिद्दीकी वहाँ पे रह गई। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा एक्साइटमेंट क्या, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ एंड इट्स फाइनली कमिंग टू फ्रूटेशन। इससे अच्छा फीलिंग आज तक मैंने महसूस ही नहीं किया है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द एंडलेस सपोर्ट आई हैव गॉट। जितने क्यूट हीरो है उतनी ही क्यूट फिल्म होंगी। आई विश टू बी एन इन्फ्लुएंसर एज यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स जो मूवी है इसका जो थीम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इट्स ऑन रेसिज्म and to make it commercially we have based it on football and I feel that after a long time aisa ek movie aaya jisme ek northeast ko highlight kiya gaya hai and I think it's a very big step in Bollywood and I think that we should all watch it and we will learn very good things from the movie, how to live peacefully together. Character ek footballer hai, introverted hai, jada kisi se baat nahi karta, to wo pehle struggle karta hai to make friends। ऐसा होता है ना, अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगता कि उसका दिल में क्या है। सो बेसिकली इस मूवी में आपको दिखाई देगा एक पर्सन्स ग्रोथ, वो गांव छोड़ के शहर आता है टू बिकम ए फुटबॉलर एंड ही ग्रोस एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट दिस। इसमें साउथर्न नॉर्थ बस एक एनालॉजी है, मतलब एक साउथ बंदा जब नॉर्थ में आता है तो एक्सेप्टेंस के मामले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उसको ईजिली इतना एक्सेप्टेंस नहीं होता। सेम स्टोरी, जब आप एक नॉर्थ ईस्ट का जो बंदा जब रेस्ट ऑफ इंडिया जाता है तो उसको घूरते हैं लोग, उसको बोलते हैं ये तो इंडिया का नहीं है, दैट जो गलत फहमी है इसको बदलने के लिए एक और इनिशिएटिव है इस मूवी में। अमेजिंग को एक्टर्स, इतना एनर्जी है, मतलब मैं थक जाता हूँ और उन लोगों के पास इतना दम होता है कि रात भर पार्टी करो, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम, 6 बजे शूट, मतलब इतना एनर्जी हो रहा है इन लोग के पास कि इट्स अमेजिंग। इट्स अ वेरी बिग ऑनर टू वर्क विद देम, स्पेशली के सर, अमेजिंग टैलेंट, शशांक अरोड़ा, मनजोत, लिमिटलेस एनर्जी। या फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ फ्यूचर ग्रुप में, माय सेम वर्क सिंस 8 ईयर्स, सो अभी आई एम गोइंग बैक टू माई वर्क आफ्टर दिस टुमारो एंड लेट्स सी इफ देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू परस्यू मोर। करने का प्लान डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट आई गेट एंड हाँ, प्रोफेशनल डिज़ाइनर, हाँ हाँ डिज़ाइनर। अभी मैं रिटेल में काम करता हूँ तो रिटेल में देयर इज ओनली सो मच ग्रोथ का पोटेंशियल, सो लेट्स सी हाउ द फ्यूचर ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज। या थैंक यू सो मच। एक्साइटेड तो हम पहले से बहुत थे, लेकिन अब क्या रिजल्ट सामने आने वाला है, नर्वस ज़्यादा हैं, खुशी भी है, और जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और लोगों से, सेंसर बोर्ड से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ म्यूज़िक का भी रिस्पांस उतना ही अच्छा मिल रहा है। इतना सुंदर और इतना प्यारा सॉन्ग है फिल्म का कि मतलब आपके ज़बान पे चढ़ जाएगा वैसा। इसमें मेरा नाम सिद्धांत माधव है और इस फिल्म का म्यूज़िक जो है मैंने किया है, और बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, साथ में मेरे डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर्स ने भी, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि एक अच्छा म्यूज़िक दे सकें जो दिल को छुए। और अगर आपने सुना होगा तो कहीं हद तक लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं वो यही है कि अच्छा थोड़ा बहुत बना लिया है हम लोगों ने। अब ये तो पता चलेगा कल के बाद कि कैसा लग रहा है लोगों को। और जिस दिन मैंने फिल्म सुनी थी, जिस दिन शुभम भाई ने मुझे और इनके साथ जो राइटर हैं उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट बताई, उस दिन के बाद ही दिमाग में म्यूज़िक कहीं ना कहीं आने लगा, और फिर जितनी मेहनत मैंने की है उससे कहीं भी इतनी भी कम मेहनत इन्होंने नहीं की है म्यूज़िक में। एक लाइन में स्टोरी क्या है? स्टोरी ये रेसिज्म पे है, रेसिज्म पे कहानी है, जिस तरीके से पूरे देश में रेसिज्म फैला हुआ है, कई बार स्पोर्ट्स में सिर्फ इस वजह से लोग को मौका नहीं मिलता क्योंकि वो दूसरे प्रांत से हैं, दूसरे शहर से हैं,
तो उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया और हम चाहते हैं वो चीज़ ख़त्म हो देश से। पोस्टर हमने बहुत सोच समझ के बनाया है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो लड़का जो टी शर्ट उतारता है, जर्सी उतारता है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को देश से निकाल के बाहर फेंकना है, नस्ल भेद जैसी चीज़ों को हमें देश से निकाल के बाहर फेंकना है और तब हमारा इंडिया शाइन करेगा। और उसको पैरेलल जो कॉम्बिनेशन चाहिए था वो सिद्धांत जी ने म्यूजिक से संभाला है। और आप जब देखेंगे आपको स्पोर्ट्स का जो भी ड्रामा है या जो भी सॉन्ग है, मेलोडी है, बिगनिंग में ही शुरुआत है फिल्म की। सॉन्ग इतना अच्छा था, हमने बाद में डिसाइड किया कि भाई फिल्म की शुरुआत सॉन्ग से ही होगी। नहीं, सब जगह है, इसलिए तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये तो सत्य भी है। और आप देखेंगे तो अब तो स्पोर्ट्स एक शहर का, एक स्टेट का बन के रह गया है। महाराष्ट्र में क्रिकेट खेला जाता है, पंजाब में हॉकी खेला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल खेला जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली घिरा हुआ है, जिसकी वजह से देश का जो स्पोर्ट्स है कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहा है। यही तो देश की दुर्दशा है। इस पे सब विचार कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं, पर अमल नहीं कोई कर रहा है, सिर्फ बातें होती हैं। और जिस तरीके से देश का नाम क्रिकेटर रोशन करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग भी रोशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि उतना ही सम्मान और रिस्पेक्ट, पैसा, इज्जत उनको भी उतना ही मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया को उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरीके से हम क्रिकेटर्स को हाईलाइट करते हैं, उसी तरह हमें हॉकी प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स या जो भी हमारे बाकी के स्पोर्ट्स हैं उसको भी हमें उसी तरह से तरजीह देनी चाहिए। और कोई भी गेम छोटा बड़ा नहीं है, सारे गेम का उतना ही क्या कहते हैं जो ऑरा होता है उतना ही बड़ा होता है, बट पता नहीं क्रिकेट को हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है। यार काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, जो फीलिंग्स है वो काफ़ी मिक्स्ड हैं। तो अभी देखते हैं कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं और कैसे रिव्यूज़ देते हैं क्रिटिक्स। होप सबको फिल्म अच्छी लगे, मेरा किरदार अच्छा लगे। जब एक्टर्स अपने आप को देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ में बोल सोचता होगा कि यार मैं इसे और बेहतर कर सकता था, मैं इसमें ये भी चेंजेस कर सकता था, वो भी चेंजेस कर सकता था। मतलब कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता एक्टर, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मैं अभी वैसे ही देखने वाला हूँ कि मैंने क्या किया है, कितना अच्छा और मैं कर सकता था, आगे मुझे कितनी और मेहनत करनी है। और नेगेटिव किया है, मेरी पहली फिल्म है और एज ए नेगेटिव मैं पहली फिल्म में प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज एन हीरो ही मैं आऊँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्टिंग। अगर आप अच्छा एक्ट करोगे तो वो एज एन हीरो पॉजिटिव भी आप अच्छा एक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव भी अच्छा एक्ट कर सकते हैं। मेरी एक और फिल्म आ रही है इस साल, शायद लास्ट तक आ जाएगी वो फिल्म। और अभी ये है, इसके अलावा एक दो सीरियल्स भी बात चल रही हैं, तो लेट्स सी। वेब सीरीज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग्स एंड ऑडिशंस चल रहे हैं, तो देखते हैं अगर कुछ अच्छा होता है तो इंशाल्लाह।